नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। हरियाणा सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी है। राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। सरकार के नए नियमों से बाजार में दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग पहले की तरह बिन किसी रोक टोक के दुकान खोलने का आदेश मिल गया है। बीमारी बहुत कम हो गई है और सरकार ने सेफ्टी की वजह से जो अभी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है कि अभी आने वाला समय कोई कन्फर्म नहीं है कि भाई बीमारी का क्या रहेगा रिव्यू, और सरकार ने टाइम व्यापार के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक कर दिया है। तो हमारे यहाँ मार्केट में 10 से 7 जनरल दुकानें खुल रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 9 से 8 का टाइम है। लोग थोड़ा सा सावधानी और प्रिकॉशन को देखते हुए पहले ही बंद कर देते हैं दुकानें, और भीड़ वगैरह भी कम में, और प्रॉपर मास्क वगैरह और सैनिटाइज का सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, और जो लोग हैं वो भी जागरूक हैं। सर अभी तो देखो महामारी एक घटती जा रही है, बहुत कम केसेस हो आ रहे हैं कम अभी तो, और टाइम 8 बजे तक का कर दिया है। कोई पब्लिक ऐसी कोई बाज़ार में आ भी नहीं, खास क्योंकि डर रहे लोग, अभी लोगों के अंदर डर रहेगा कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो भी नहीं रही है। मार्केट के अंदर आप देख रहे हो सन्नाटा ही है, ऐसा खास कुछ हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कर दिया गया है लॉकडाउन का टाइम, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मेरा ये कहना है जो जैसे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम है, 11 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम हो जाए, क्योंकि कस्टमर है शाम को ही निकलता है 5 बजे के बाद, थोड़ा मौसम ठंडा होने के बाद। उस हिसाब से अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा केसेस भी नहीं है, मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाग भी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी इस हिसाब से थोड़ा टाइम का सहूलियत आगे कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। तो ठीक है, अगर लापरवाही ना की जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ ही हैं जी। पर अगर लोग लापरवाही करेंगे तो बीमारी तो अब जो थर्ड वेव का है दोबारा आने का, तो उसको रोका जा सकता है ना। हाँ, थोड़ा टाइम अब कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, लेकिन लापरवाही ना बढ़े। मानेसर के HSIDC के ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन कैंप लगाया गया, लेकिन यहां टीकाकरण केंद्र पर ना ही कोई सामाजिक दूरी दिखाई दे रही है और कुछ लोगों ने तो मास्क तक नहीं पहन रखा है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारी और सिविल डिफेंस के कर्मचारी यहां मूक दर्शक बनकर खड़े हैं, साथ ही साथ यहां केंद्र पर लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं खबर कवर करने गए वी न्यूज के संवाददाता के साथ सिविल डिफेंस ने की अभद्रता और उनका फोन छीनने का किया गया प्रयास। सुबह यहाँ से 5:30 बजे से आया हूँ मैं, वहाँ पे लाइन पे ऊपर में ही खड़ा था 7-8 लोगों के बीच में। उसके बाद से अभी तक मैं वहाँ से इतनी भीड़ भाड़ हो गई ना कि आगे वाले बंदे पीछे आ गए, पीछे वाले बंदे को वैक्सीन लग रहा है। अच्छा। ये कहाँ का नियम है? बोला है रजिस्ट्रेशन करवा के लाओ, पहले नहीं बताया गया कि यहाँ रजिस्ट्रेशन, बंदे रजिस्ट्रेशन करवा के दिखा भी रहे हैं उसके बावजूद बोले चलो पीछे जाओ लाइन। तो भेदभाव किया जा रहा है? और क्या, लाइन पे आके खड़े थे वहाँ से भी हम लोगों के पीछे। मैं तो 5 बजे से आया था, 5 बजे आया लेकिन फिर भी लाइन काफी लग गई थी, लेकिन यहाँ आए तो बोले कि नहीं लाइन में लोगो, लाइन में लोगो बार बार यही कर रहे हैं, पता नहीं कैसे अंदर से वैक्सीन भी लोगों से निकल रहे हैं उनको। नंबर नहीं आया अभी तक? नहीं आया। टोकन सिस्टम चल रहा है क्या? कुछ बोला गया आप लोगों को कब तक लगेगी वैक्सीन? यहाँ मैं 8 बजे आ गया था। अच्छा, तो क्या कुछ कहा गया वैक्सीन कब तक लगेगी आपको? कुछ नहीं, बार बार बोल रहे हैं कि है नहीं वैक्सीन, है नहीं, टोकन खत्म हो गया जाओ। अच्छा, आप लोगों कोई बात हुई अंदर? अंदर बात हुई, बोले टोकन खत्म हो गए, धक्का मुक्की हो रही, बस नीचे मार दो इधर आ जाओ, उधर मार दो उधर आ जाओ, कोई अगर फोटो खींचता है तो उसका फोन छीन लो, रख दो। अच्छा, सुनता रहे ना, दिक्कत ये है, सुनने वाला तो कोई हो। अब 9 बजे से वैक्सीन लगनी चाहिए, अभी 12 बजने वाला, अभी तक क्या है, कोई एक बंदे को लगा वैक्सीन? और आज हमारा कैंप HSIDC ऑडिटोरियम में लग रहा है, यहाँ पे फर्स्ट डोज के लिए 100 स्लॉट है और 50 स्लॉट सेकेंड डोज के लिए, तो उतनी वैक्सीन हमें अवेलेबल हुई है और उसी के हिसाब से यहाँ हमारा काम स्मूथली चल रहा है। तो कितने टोकन आज आपके यहाँ पर बांटे? हमारे यहाँ पे 150 टोकन बांटे। लेकिन लोगों की भीड़ जो है बाहर लगी है, उनका ये भी कहना है कि भेदभाव जो है यहाँ पे किया जा रहा है। आप नहीं, कोई
भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हम जो पहले आए हैं उन लोगों को हमने टोकन दे दिए हैं, अब वो मान रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जैसे आगे से स्लॉट्स हमें अवेलेबल कराए जाएंगे उसी हिसाब से हम वैक्सीनेशन करते जाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अपने जानकारों को पहले जो है वैक्सीन लगा, हम टोकन ही दे रहे हैं तो ये चीज़ तो आप लोग खुद से ही समझिए कि जब टोकन दे दिए गए हैं तो किसी जानकार को कोई ऐसे वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। गुरुग्राम का दिल कहे जाने वाले सेक्टर 38 की पॉश सेक्टरों में गिनती होती है, लेकिन वहां की तस्वीर को देखकर वहां बसने वाले RWA के सदस्य और वहां जनता बहुत परेशान है। वहीं आपको बता दें कि सेक्टर 38 के लोगों ने अपना भरोसा जताकर अशोक यादव को RWA का प्रधान बनाया है, और जब वी न्यूज की टीम सेक्टर 38 में पहुंची तो हमने वहां के नव नियुक्त प्रधान अशोक यादव और उनके साथ मौजूद तमाम RWA के सदस्यों से सेक्टर के बारे में जाना, तो उनका कहना था कि जो दशा सेक्टर की पहले थी हूबहू वही तस्वीर आज भी है, सेक्टर का कोई भी विकास नहीं किया गया, जिसको लेकर अशोक यादव को RWA का प्रधान चुना गया है। आप सुनिए क्या कुछ कहना है RWA के प्रधान और उनके सदस्यों का। सेक्टर में हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा है मैडम, पिछले 10-12 साल से, ये मेरे ख्याल कॉरपोरेशन में जाने के बाद से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। सबसे पहला काम यहाँ पे है पानी का, यहाँ पे वाटर सप्लाई एक हमारी पॉकेट है जो थाने के सदर थाने के साथ में, वहाँ पे तो पानी ही नहीं पहुँचता बिल्कुल ही, और बाकी रोज़ाना पाइपलाइन लीक होती है। पहले हुड्डा के टाइम में यहाँ पे पाइपलाइन जो लगाई गई थी वो 2.5 स्टोरी के हिसाब से जो मकान बने थे उसके हिसाब से थी, और आजकल आप देखते हैं कि स्टिल्ट बेसमेंट और 4 मंजिल बनने लग गई, और हमारा बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर है ये, यहाँ पर बहुत सारे PG गेस्ट हाउस सब भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वाटर सप्लाई के लिए हमारे यहाँ केवल एक बूस्टर पंप है और उससे हमारे सेक्टर की सप्लाई नहीं हो पाती, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल अलग अलग पॉकेट में अलग अलग बूस्टर पंप होने चाहिए। और दूसरा जो है यहाँ पे मेन और एक सड़क की समस्या है सॉरी कि जो रोड है, रोड मेरे ख्याल पिछले 10 साल से हमारे यहाँ कोई रोड नहीं बना, पैचवर्क तक नहीं हुआ है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, बरसात के दिनों में 3-3 फुट पानी लोगों के घरों के सामने खड़ा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, पार्क भी अनडेवलप्ड है, पार्क में इवन जो पानी देने के लिए होस पाइप तक नहीं है। पहले RWA के पास थे पार्क तो थोड़ा बहुत काम हुआ, जब से ये नगर निगम में गए हैं उसके बाद से हमारे यहाँ पार्कों में भी कोई काम नहीं हुआ। तो समस्याएँ तो मैडम बहुत है, और इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए हम आगे आए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं और मेरी टीम दिन रात एक करके हम इन समस्याओं से निजात पाए। और समस्याएं अशोक यादव जी ने काफ़ी हद तक सारी बता दी हैं, उसके अलावा मेन बेसिक जो हमारा इशू है, हमारे हाथ में फंड्स का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, सिर्फ फॉलोअप करना ऑफिसर्स के साथ में, क्योंकि यहाँ की लोकल कलेक्शन हमारी है नहीं, RWA से कोई भी कलेक्शन नहीं है, फंड्स की जो भी ग्रांट है वो पार्षद जी के माध्यम से ही यहाँ लग सकती है। हमारा सिर्फ काम, जैसे आपने पूछा कि क्या हमारे स्टेप्स होंगे, हमारा सिर्फ ऑफिसर्स के साथ फॉलोअप है, हम कमिश्नर साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कल का टाइम मिलेगा तो कमिश्नर साहब के सामने हम अपनी सारी समस्याएं रखेंगे और उनको अवगत कराएंगे, उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमारे सेक्टर में आइए, एक बार यहाँ के हालात देखिए, और उसके बाद आगे का जो भी कार्रवाई वो करेंगे वही एक रिक्वेस्ट है जी, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ बैठे हैं और वही हमारे आगे के स्टेप्स हैं जी। इससे पहले हर एक में टच में रहा हूँ, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ, और मैं उस पॉकेट से आता हूँ जो सदर थाने के पास से है, 732 से लेकर 804 GF तक, उसमें हमेशा ही पानी की प्रॉब्लम बनी रहती है, उसी वजह से मैं इस टीम से जुड़ा हूँ। और दूसरी पार का सड़क, थाने सदर के पार से जाएंगे इतने गड्ढे हुए हुए हैं, पानी भरा हुआ है, 2-2 मीटर सीवर ओवरफ्लो है, स्मेल आती है, मच्छर पैदा होते हैं, कोई वो नहीं रही पार्क, कांग्रेस घास या गाजर घास उसको कह लो, पार्कों में सब में खड़े हुए हैं। जो समस्याएं तो बहुत है, और समस्याएं बहुत है हमारे पास, पहले भी RWA की जो टीम थी उन्होंने जितना हुआ उनसे उन्होंने काम किया, और सेक्टर वासी हम ही लोगों को जो है वही टीम बार बार एक आध वो इधर उधर होके आते रहे हैं। ऊपर से जैसे MCG में जब से गया है, हुड्डा से तो थोड़ा बहुत काम हो जाया करता था, जब से MCG में गया है हमारा सेक्टर, तब से ना कोई सुनने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई कराने वाला है, सारी दिक्कतें आती है, लोग आते हैं सुन लेते हैं चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, ना कोई कुछ काम होता। इन्होंने
हमारे हंस जी ने बोला पानी की सबसे भारी समस्या है, इनके वाले बेल्ट में सबसे ज़्यादा समस्या है। घास की जो आप इनको कांग्रेस घास आपने बार बार रिपीट किया, उसको यहाँ पे देसी भाषा में कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, देसी भाषा में कांग्रेस घास कहा जाता है। हाँ, जैसे और गाजर घास कह सकते हैं, मतलब कांग्रेस से उसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है जी, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। तीसरी बात, हमारे पार्कों की जो आप दुर्दशा देखोगे, किसी भी पार्क में आपको ना पाइप मिलेगा, हमारे अध्यक्ष जी ने बोला ना पाइप है, ना मोटर है, ना पानी है। जब इस गर्मी में हमें पानी नहीं मिलता, हम सूख जाते, तो पौधों का क्या हाल होगा। तो ना कोई जो है बेंच था, तो हमारे RW ने निर्णय लिया, फिर उन्होंने 100 बेंच अपने फंड से मंगवा के अभी सारे पार्कों में दिया। किसी किसी पार्क में मोटर भी ना हमारे पास माली की सुविधा है, ना कोई इस चीज़ की सुविधा है। हम लोग इस चीज़ से, और सबसे महंगी ज़मीन है 38 सेक्टर की, और सबसे मेन जगह पर आपको पता ही होगा गुड़गांव के, आप सबसे सेंटर में बैठे हो। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारे पास, हमारे अनिल जी ने बोला ना कोई फंड है ना कुछ है, तो हम लोगों को तो संघर्ष करके ही अब सारा MCG के अंदर आ गया, और MCG जैसे पार्षद है या महापौर है उनके अंदर सारा कुछ आता है, वो लोग फंड प्रोवाइड करते हैं, वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं। पार्षद की मनमानी और लापरवाही के कारण लक्ष्मण विहार फेस 2 में रोजाना सड़क हादसे होते हैं, जिसमें कई आदमियों को चोटें लग चुकी हैं। और ऐसा ही एक हादसा कल रात देखने को मिला, जहां पार्षद की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। लोगों का कहना है कि पार्षद ने पैसे कमाने के लिए लक्ष्मण विहार की सड़क को नाले में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें कि एक काम जनता के विरुद्ध हुआ है, जिसका मुकदमा गुरुग्राम न्यायालय में भी चल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। गुरुग्राम पुलिस ने एक युवक के कब्जे से 1 किलो 84 ग्राम अफीम बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरामद अफीम की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि आरोपी तस्कर मध्य प्रदेश से अफीम लाकर गुरुग्राम में बेचता था। आरोपी के कब्जे से कुल 1 किलो 84 ग्राम अफीम, 1 मोबाइल फोन व 1 बैग पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गुरुग्राम पुलिस आरोपी से गहनता से तफ्तीश करने में जुटी हुई है। कल शाम को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 की यूनिट को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक शख्स अफीम राजस्थान के रास्ते से लेके आ रहा है, और टोल प्लाजा खिड़की दोला के पास वो है, वहाँ पे उसको काबू किया जा सकता है। जिसके संबंध में रेडिंग पार्टी तैयार की गई, और हमारी यूनिट ने वहाँ पे उसको रोक के और उसको चेक किया गया, तो उसके पिट्ठू बैग में 1 किलो 84 ग्राम अफीम, जो मादक पदार्थ में आती है, वो बरामद की, जिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसको सील करके और आगे की कार्रवाई की गई, और केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पूछताछ पे उसने बताया कि मेरा नाम राम, श्री राम पुत्र राम, निवास गांव मूलाराज, जिला जोधपुर है, राजस्थान का रहने वाला हूँ, और मैं इस अफीम को मध्य प्रदेश से लेके आया हूँ, जिसके संबंध में आज हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की जो कड़ियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम उसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ोनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहने से भाजपा नेताओं के साथ साथ पंजाबी समाज बेहद नाराज है। पंजाबी समाज ने मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई इस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ोनी का पुतला फूंका और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पलवल हरियाणा पंजाबी एकता मंच के जिला अध्यक्ष अशोक सरदाना व भाजपा नेता प्रवीण ग्रोवर ने कहा कि किसानों के नाम पर गुरुनाम चढ़ोनी जो राजनीति कर आपसी भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। और हमने गुरुनाम सिंह चढ़ोनी का जो है ना, हमने पुतला फूका है, और वो इस वजह से फूका है कि उसने फरीदाबाद के खोरी गांव में मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को पाकिस्तान शब्द कहा है। हमें जो एक पाकिस्तानी शब्द कहा है, हम उस पाकिस्तानी शब्द से बहुत कड़ा ऐतराज है, और इस पंजाबी पाकिस्तानी शब्द कहने से पूरा हरियाणा का पंजाबी समाज आघात हुआ है, और गहरा दुख हुआ हमें, और हम
सरकार से मांग करते हैं कि या तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से कहेंगे कि वो इस माफ़ी मांग लें ताकि आगे जो है ना द्वेष भावना कोई समाज में ना फैले। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने पिछले दो दिन तीन दिन पहले वो हरियाणा फरीदाबाद के खोरी गांव में आए, वहां पर आकर के ठीक है अगर आप किसी भी के साथ कुछ गलत हो रहा है आपको उसकी मदद और उसकी इमदाद करने का पूरा हक है, परंतु उन्होंने वहाँ पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा के इतिहास में उनसे ईमानदार और उनसे ज़्यादा काम करने वाला उनसे ज़्यादा समय देने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इतना काम किया है, इतनी योजनाएं लागू की हैं, उनके खिलाफ उन्होंने पाकिस्तानी एक गंदा शब्द उस पुरुषार्थी समाज के लिए जिसने अपना सर्वस्व देश और धर्म के लिए कुर्बान कर दिया परंतु धर्म और देश नहीं छोड़ा, अगर वो चाहते तो उस समय में अपना सब कुछ अपने पास रख सकते थे, केवल उन्हें क्या बदलना था, आरती की जगह पे अजान पढ़नी थी, अगर वो अजान पढ़ते तो आज वहाँ पे अरबों खरबोंपति होते, परंतु उन्होंने धर्म और देश के लिए अपना सर्वस्व छोड़ के भारत देश को पसंद किया और अपने भारत में पश्चिमी पंजाब से और पंजाब की तरफ आए। उन लोगों को वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उसके संगठन के लोगों ने ही भरोसा नहीं किया, कई बार उन पे आरोप लगे कि वो रिश्वत ले रहे हैं, कई बार उनके ऊपर पार्टियों से, और वो खुद एक राजनीतिक है, वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री को क्या वो बताएंगे कि वो कितने ईमानदार हैं और क्या हैं। तो उन्होंने जो शब्द कहा पाकिस्तानी, हम उसका विरोध करते हैं और आप सबके माध्यम से आपने आक्रोश देखा जो यहाँ पे लोगों के बीच में था, हम लोग मांग करते हैं कि या तो वो अपना बयान वापस ले नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और उन्होंने समाज को बांटने का काम किया है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, मेरी ये मांग है। बल्लभगढ़ के हरि विहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में आज वैक्सीन नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। बता दें कि हरि विहार स्थित डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा था और लोगों में इसे वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता ही कहा जा सकता है कि यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा आज उस वक्त देखने को मिला जब सुबह लोगों की अच्छी खासी भीड़ वैक्सीनेशन के लिए कतारों में लगी दिखाई दी, लेकिन आज यहाँ वैक्सीन का शेड्यूल ना होने के चलते वैक्सीन नहीं आई और लोगों को निराश ही लौटना पड़ा। लगवाने का भैया है ही ना, सुबह के लाइन लगा रखी है। कल भी आए थे आप? कल भी आए थे, कल तक सुनी नहीं, परसों आए, नंबर ना आया। अब क्या कह रहे हैं? अब जो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं आई, आज भी नहीं आएगी, ऐसे का कल भी नहीं आएगा। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो भैया अभी लाइन लगाने की परेशानी है, घर का हम काम छोड़ कर रोज चक्कर लगा दे। कितनी देर हो गई यहाँ पे खड़े खड़े? सुबह 7 बजे से। अब कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। तो वैक्सीन के लिए आए थे, क्यों वैक्सीन लग पा रही नहीं लग पा रही? नहीं लग पाई, मैडम ने बोला कि है नहीं। कब लगेगी फिर? पता नहीं, कल की पूछा कल आए या नहीं आए, कल की कभी बताएंगे, पता नहीं है कुछ। फतेहाबाद में खाकी दागदार हुई है, जिला पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी को विजिलेंस ने रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस फतेहाबाद के भट्टो थाने में बतौर सब इंस्पेक्टर नियुक्त है। विजिलेंस ने आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी चूड़ी रोड पर, ठीक है, ये गाड़ी हुई थी 7 तारीख को 6 महीने में, तो मैं उसको ले आके अस्पताल में छोड़ दिया, दड़ोली गांव का रहने वाला था वो। अस्पताल से मेरे को ये बोले इसको मैं ग्रुप मोड रेफर करता हूँ, आप थाने में जाके गाड़ी की फ़ोटो करवा दो। मैंने गाड़ी की फ़ोटो करवा दी। उसके बाद 9 तारीख को मेरी मम्मी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, मैं इसके पास गया, मैं अंकल जी मेरी गाड़ी का चलान पेश करो। बोले 10,000 रुपये लगेंगे तो मैं गाड़ी चलान पेश करूँगा। मैं को अच्छा, मैं 2-3 बार गया, मेरे को फुल टॉर्चर किया इसने, बहुत तंग किया। फिर हमारी डील हुई 7,000 रुपये में, बोले तेरे को 7,000 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद मैं गाड़ी छोड़ दूँगा। मैं को ठीक है जी। फिर मेरे को इसने बुलाया शुक्रवार को मेरे से इसने 3,000 रुपये लिए थे, 4,000 रुपये की डिमांड करी आज। तो मैंने DC साहब से कॉन्टेक्ट करके और ये हमारे पास दोपहर को सूचना मिली थी, कंप्लेनेंट है इसमें सहदेव सुनोब छोटूराम, बन मंदोरी गांव के रहने वाले हैं। इनसे 7-6 को
2021 को इनके पास अल्टो गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गया था और नेक्स्ट डे एक बंदा गुजर गया था उसमें। एक्सीडेंट होने के बाद इसने जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल पहुँचाया था। उसके बाद 9 तारीख को इस सहदेव की मांग गुजर गई थी, वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद ये भी पॉजिटिव हो गया था। फिर 10 दिन बाद हमारे भट्टू थाने में केस दर्ज था जैसे इसके खिलाफ। वहाँ सब इंस्पेक्टर हैं जीत राम, वो आईओ थे। इन्होंने इसको फ़ोन करके बुलाया और तो इसकी गाड़ी थाने में खड़ी करवा ली। अभी इसको बार बार फ़ोन करा था भाई अपनी बेल करवा ले और अपनी गाड़ी चलवानी है तो मेरे को 10,000 रुपये दे दे। तो इनका 7,000 में जैसे सेटिंग हो गई थी, आज इन्होंने 4,000 रुपये जैसे दिए। तो हमने डीसी साहब से रेड की परमिशन लेके और ड्यूटी मजिस्ट्रेट में करा के थाना भट्टू में रेड की था। और ये 4,000 रुपये में सब इंस्पेक्टर जीत राम रंगिया को अभी अभी तफ्तीश जा रही है जी। 60 पीस एक ये 2,000 के दोनों। नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड पार्षदों में विकास कार्यों को लेकर भारी रोष बना हुआ है। इसी के चलते आज सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पार्षदों को राजी करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन निगम पार्षद असंतुष्ट नजर आए। पार्षदों का आरोप है कि उनको विकास के लिए 4 साल पहले 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक 1 रुपए भी उनको नहीं मिल पाया है। उनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, ऐसे में मंत्री और अधिकारी उनको केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 पार्षद मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हथीन क्षेत्र के लिए विकास की इतनी सौगात दी है, जिसका हम हृदय से क्षेत्र के लोगों की तरफ से जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार का मूल मंत्र ही विकास विकास और विकास, और उसी के निमित्त हथीन में कोरोना के कारण कुछ काम धीमी गति हो गई थी, लेकिन आज से फिर उनकी गति को हम तेज कर रहे हैं। और आज लगभग 22 करोड़ के काम हथीन क्षेत्र में विकास के शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें हथीन क्षेत्र का मिडकोला और मडना का 2 गांवों की हजारों एकड़ जमीन जो सेम की समस्या से ग्रस्त थी, उससे उसको निदान दिलाने के लिए 13 बोलवेल लगाए गए हैं और उस सेम की समस्या का समाधान हो, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है 13 ट्यूबवेलों के साथ। तो अगर वो सफल होता है, मुझे उम्मीद है सफल होगा, तो इस तरह के जहाँ जहाँ सेम की समस्या है हथीन क्षेत्र में, वहाँ पर 54 बोरवेल और लगाए जाएंगे, जिससे किसानों की जमीन सेम से मुक्त हो सके और वहाँ पर फसल पैदा हो सके। दूसरा, आज मिडकोला गांव में 7 करोड़ की लागत से CSC का आज शुभारंभ हो रहा है, 4 करोड़ की लागत से रेस्ट हाउस का शुरुआत हो रही है, 2 करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, 2.5 करोड़ की लागत से मिडकोला से खोकिया का वाली सड़क का शुभारंभ हो रहा है, 2.5 करोड़ की लागत से कौंडल से सेवली के लिए आज उस सड़क का हम यहीं से शुभारंभ कर रहे हैं, एक तीसरी सड़क और 2 करोड़ की हथीन से मलाई, उसका भी 2.3 करोड़ की लागत से उसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये तमाम काम, इस तरह के लगभग 22 करोड़ के काम यहाँ पर आज हमने शुरू किए हैं, और आने वाले समय में पलवल से नूह की सड़क को हम वाइडनिंग कर रहे हैं, उनके पुलों को चौड़ा कर रहे हैं, उसके लिए सैद्धांतिक रूप पर मंजूरी मिल गई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, और लगभग 100 करोड़ की लागत से पलवल से नूर रोड को मजबूत और चौड़ा किया जाएगा, ये भी काम कर रहे हैं। होटल के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों में नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। सांसद ने कहा कि वह दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में बिजली पानी फ्री, अच्छी शिक्षा और कई अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव में अपना दमखम दिखाया। सांसद ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह एक ऐसी पार्टी से है जिन्होंने अपनी ही जाति के लोगों को पुलिस की लाठियों से पिटवाया था, उनको जनता भूल नहीं सकती। जो दिल्ली मॉडल दिया है, 24 घंटे बिजली और पानी
फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुक्त, जो जनता के लिए काम करते हुए शहीद होते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं उनको 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुक्त, घर घर राशन की योजना, ऐसी एक सरकार जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर पसंद किया जाने लगा है। हरियाणा के लोग विशेषकर दिल्ली के मॉडल को हरियाणा में चाहते हैं और उसी क्रम के अंदर हम इस चुनाव को लड़ रहे। खट्टर साहब ने जहाँ किसानों को नाराज़ तो रखा ही हुआ था, किसानों के प्रति अपशब्द तो बोले बोले, अब मजदूरों भी उनको दिक्कत देने लगे। फूरी का एक मामला आपके पड़ोसी जिले के अंदर सामने आया, 1 लाख मजदूर उसके अंदर रहते थे जिन्होंने सिर पे टोकरी ढो ढो के फरीदाबाद का निर्माण किया, जिनके आज भी फरीदाबाद के संभ्रांत परिवारों के अंदर घरों में वो झाड़ू का, पोछे का, बर्तन का, खाना बनाने का काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि इनको पुनर्वास किया जाए और उसके बाद इस वन क्षेत्र भूमि को खाली कराया जाए, डबल बेंच का ये ऑर्डर था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ऑर्डर स्टैंड करता है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम रिहैबिलिटेशन करेंगे और रिहैबिलिटेशन करने के बाद इनकी इस वन क्षेत्र को खाली कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अपने उस एफिडेविट को भूल के भी ये रिहैबिलिटेशन की बात नहीं कर रहे, आज उसको सरासर तोड़ने की बातें लगातार की जा रही है और उनके विस्थापन का कोई काम नहीं किया। जब चारों तरफ से हम जैसे लोगों ने आंदोलन किया, इस उनकी आवाज़ को उठाया, तब खट्टर साहब कहीं जाके बोले कि 1400 लोगों को हम पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। 1 लाख में से 1400, ये कहते हैं जो हरियाणा मूल के होंगे उनके करेंगे। मैं खट्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आदमी यहाँ पे आ गया, यहाँ का आधार कार्ड बन गया, यहाँ का वोटर कार्ड बन गया, कब तक उनको मूल निवासी आप नहीं मानेंगे? मूल निवासी तो इस देश का निवासी है और इस देश के अंदर जहाँ भी आदमी जाके रहता है, अगर वो अपने पता परिवर्तन करा के अपनी वोट परिवर्तन कराता है, वोट परिवर्तन करा के वो चुनाव लड़ के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उस सूबे का मुख्यमंत्री बन सकता है, आप इसको निवासी मानने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है। या यूपी और बिहार के लोगों से नफरत है खट्टर साहब को, मैं इसको इस नज़रिए से भी देखता हूँ कि खट्टर साहब जो पूर्वांचली लोग हैं उनसे नफरत करते हैं और उनकी वोट भी नहीं आप बनने नहीं देते। और इस तरीके से मैं इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।